सर वन मिनट। हाँ? ये सच है कि फोन हमने नहीं किया था, पर इस घर में भूत जरूर है। हाँ? रॉन्ग कॉल बट राइट इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग। आपने जो भी बताया उसे सुनकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखती हैं? तो आप भूत देख सकती हैं। असल में ये हमारे दिमाग का ही खेल है, इल्यूशंस। पर बेड का हिलना और किसी की चीखें सुनाई देना, ये सब क्या है? इन सब की कोई ना कोई तो वजह होगी। हमें वो वजह पता नहीं होती, इसलिए हम मान लेते हैं कि कोई भूत होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी भी पेपर में पढ़ा होगा कि पेड़ में से कुछ आवाजें सुनाई दी। लोगों को लगा कि वहां कोई ताकत है और उन्होंने उसे पूजना शुरू कर दिया। पर बाद में पता चला कि वो आवाजें जमीन के नीचे पानी के बहाव की वजह से आ रही थीं। यहां की आवाजों की भी कोई वजह होगी? जहां से आवाज आती है हमें दिखाइए, अभी पता चल जाएगा। अभी नहीं, रात को 12:30 के बाद सुनाई देती हैं। ओह ठीक है, तो हम रात में आते हैं। एक मिनट सर। हाँ? आप जाएंगे फिर वापस आएंगे, इससे अच्छा आप यहीं रुक जाइए अगर आपको एतराज ना हो तो। ऑलराइट। एक मिनट सर, आप ये साबित करने आए हैं कि यहाँ भूत नहीं है, पर सच ये है कि यहाँ भूत हैं। मतलब? मेरा मतलब यहाँ के भूत बहुत खतरनाक हैं। ए तू चुप कर, आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। हाँ ए, इन्हें बाहर ले जा। क्यों, लड़की को तू घुमाएगा? चुप कर बेवकूफ। आइए दीदी। हाँ? आप आराम कीजिए। हाँ? मैं इनको गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ, आप जाइए। ठीक है, आप आइए। आइए ना। तो हम चले? आज यहीं रुकना होगा, मुझे कल रिकॉर्ड सबमिट करना है। कल करना है ना, आज हमारे साथ यहीं रुक जाओ। ओके। आइए चले। अरे बाप रे, इतना सामान क्यों उठाया हुआ है? मैंने कहा सामान उठाया है? हाथ में फोन, लैपटॉप, बैग, मुझे दे दीजिए। इट्स ओके। लाइए मुझे दीजिए। इट्स ओके। अरे वाह, आप तो बहुत महान है मैम। आजकल तो लोग अपना काम दूसरों को देकर खुश है और आप मुझे मना कर रही है। सच में आप बहुत महान है। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद कर सकते हो? एक तो तारीफ करो, ऊपर से बातें सुनो, नहीं करता। हा? ये देखिए हमारा गेस्ट रूम। चलो निकलो अब, हम चले जाएंगे। सुनिए, आपको कुछ भी चाहिए हो किसी से कहने की जरूरत नहीं, मुझे बता दीजिएगा, मैं राजू हूँ। हमें नाम जानकर क्या करना है? ताक लिया, बस ताकते ही रहना। मुझे उन नमूनों के बीच फंसाकर खुद लड़की लेकर निकल गया। ए नरसो, हाँ वो इतनी सुंदर क्यों है बे? जब मैं उसे छोड़कर वापस आ रहा था तो मुझे लगा किसने मुझे जोर से पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, क्या खुशबू थी यार। क्या बोला? खुशबू, ऐसा लगा जैसे वादियों में पहुंच गया। सब भाग जाएंगे जब रात भर भूत ढूंढते हुए भटक रहा होगा। अरे यार आ? वो लड़की। बेटा सुन, मैं जा रहा हूँ सोने, तू और वो लड़की दोनों जाओ भाड़ में, मैं तो चला। कमाल है यार। ये लो कैच। चलो बेटा चलो, हम दोनों खेलते हैं। हाँ दो। लाओ बॉल मुझे दो। जाओ तुम लेके आओ। कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। चलो अब इसको पकड़ के दिखाओ। ए अरे बल्ले 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 बल्ले। सुनो मैं चेयर लेके वहां बैठ जाऊं? मतलब तुम्हें यहाँ वहाँ आने में तकलीफ हो रही होगी ना? क्या क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। कुछ और उठाना हो तो उठा लो। नहीं 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 नहीं, चल भाग यहाँ से। उल्लू। उदय बाबू,
घर तो बहुत ही अच्छा है, वॉकवे, स्विमिंग पूल और एकदम शांत जगह। तुम तो बेकार ही डर रहे हो कि यहाँ भूत है। मैं तो कब से कह रहा हूँ पर ये मान ही नहीं रही। क्या ये सच है? सिर्फ मैं ही नहीं सर, पेपर वाला भी डर के मारे यहाँ आ नहीं रहा है और वॉचमैन ने भी रात को यहाँ पर परछाइयाँ देखी हैं सर। तुमने क्या देखा है बताओ? रात को देखो तो परछाई घूमती है पर होता कोई नहीं है। तुमने परछाई घूमती देखी फिर भी यहाँ से गए क्यों नहीं? मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई तब कहीं जाकर ये रुका। ये लो, तुमने तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो इसे रोज रोज भूत दिखाई देगा, हर हफ्ते तनख्वाह बढ़वाएगा ये। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर, मेम साहब के साथ 3 सालों से काम कर रहा हूँ। जाओ जाकर काम करो। चलो सुन खरबूजे, ये जूस मुझे दे और तू जा यहाँ से। चलो जाओ, मारो चांस, ऑल द बेस्ट। समझ गया ना? चलेगा, चल जाए अभी। अरे ये तो अजीब पागल बॉडीगार्ड लग रहा है, गमला उठाकर बॉडी बना रहा है ये। चल चल जूस पिलाओ, लड़की पटाओ। प्रिया मैम, मैंने आपके लिए जूस बनाया अपने हाथों से। जूस है? हमने नहीं मंगवाया। इससे पहले किसी होटल में काम करते थे क्या? मंगवाने पर तो नौकर लाते हैं, अगर कुछ दिल से लाए तो। समझ लो इंसान वैला है। आपको मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, पर कम से कम प्रिया हंसी तो मैं खुश हूँ। प्रिया लो जूस पी लो। नहीं चाहिए। प्लीज पी लो। ओह गॉड, ऐसे काम नहीं बनने वाला। मैं बताता हूँ क्या करना है, तू वहाँ जाके बैठ जा। पर क्यों? तू जाना, मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, चल जा। प्रिया मैम, एक आपकी टीम एक हमारी टीम, देखते हैं कौन जीतेगा और हारने वाले जीतने वालों को पार्टी देंगे, यहाँ पर नहीं होटल में। ओके? अच्छा या 4 लोग कैरम खेलते हैं, चेस 2 लोग खेलते हैं। हो गई बेइज्जती। देखो मिस्टर नरसिम्हा। यस मिस्टर राजू। थोड़ा आगे आएंगे आप, बताइए क्या चाहिए आपको? चेस? कितने लोग खेलते हैं? बेवकूफ कहीं का, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जैसे इसका तो बहुत कुछ हो गया है। हेलो बिंदु मैम, हेलो मैडम। क्या किया इसके साथ भैया? क्या मिला तूने इसमें? पता क्या मिला? बॉडी बिल्डर भैया, मैंने कुछ नहीं मिलाया। और मैंने क्या मिला इसमें? भी नहीं था भैया, जूस तो राजू लाया था, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो भैया। आपके डोलों की कसम, आपके शोलों की कसम, चाहो तो मैं आपको पहलवानी के लिए 2 बड़े बड़े कुंडे ला के दूंगा। कैसी लगी एक्टिंग? मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी मस्ती कर लूं। हाय वारी जाऊं तो क्या ये एक्टिंग थी? ये भैया तो मुझे मार ही डालते, अब तो समझ में आ गया ना कि ये एक्टिंग थी। हमें जल्द से जल्द साबित करना होगा कि यहाँ कोई भूत नहीं, इनका डर दूर करना होगा। डैड तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, हम यहाँ संभाल लेंगे। लोगों की इस तरह मदद करके जो खुशी मिलती है वो पब में पैसे उड़ाकर कहाँ मिलती है डैड। ये बिल्कुल आप पर गई है राजा रेड्डी जी। प्रिया यूएस कब जा रही हो? नेक्स्ट मंथ तक वीजा कंफर्म हो जाएगा अंकल। अच्छा अच्छा चलो चले। अरे ए, रुकना, अरे मैं डायपर पहन के आता हूँ, मेरा जूजू निकल जाता है। जल्दी आना। हाँ अभी आया। बच गया। जान बचे, भले ही वो भूत को ढूंढ ले पर मुझे नहीं ढूंढ सकता। गुड नाइट। कौन जिम करता है यार? मसल से बढ़ाता रहेगा, थोड़ा दिमाग तो बढ़ा। ये सोफा टीवी के साथ कोई जिम करता है क्या? मैं बोल रहा हूं और तुझे जिम की पड़ी है? तेरी तो अगर कोई मर जाए
तो भी तू जिम ही करता रहेगा? जब भी मरेगा तो तेरी कब्र पर मैं डंबल्स चढ़ाऊंगा। हर रोज ठीक 12:30 बजे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं सर। लेट्स सी। अब रोज तो इसी टाइम पे आवाजें आती थी सर। कहा था ना ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अरे ये क्या, अभी तो 1 बजा है और बेल इतनी बार क्यों बज रही है? तुम डरी हुई हो इसलिए तुम्हें लग रहा है ये भी भूत ने किया है। घबरा क्यों रही हो तुम? क्या पता क्लॉक खराब हो गई हो। पहले अपने अंदर के डर को दूर करो, सब ठीक हो जाएगा। लगता है ऊपर से आ रही है। बेडरूम में देखिए सर, बेड हिल रहा होगा। चल चल चल। मजा यार। देखिए सर, मैंने कहा था ना। सर मुझे लगता है आवाज ऊपर से आ रही है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। चलो आओ। उस कोने में देखो,